दोस्तों 150 करोड़ की एनिमल मूवी जो आप जानते हैं, इसमें अपने रणबीर कपूर लीड रोल में है भाई साहब, वो अब पोस्टपोन हो चुकी है क्योंकि वो अपने गदर 2 अपने तारा सिंह से बड़ी डर चुकी है। आप जानते हैं कि गदर की रिलीज की गई थी 9 जून को और उसने अपने डे 1 पे कमाए थे 90 लाख के आसपास और अब उसका डे 23 की कमाई भी सामने आ चुकी है। आप जानते हैं कि आज के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में 2 फिल्मों का बोलबाला है। पहली है आदि पुरुष जिसने लाइफ टाइम अब तक भाई 300 करोड़ कमाए हैं और उसका है बजट 690 करोड़, तो वो हो चुकी है फ्लॉप नहीं भाई डिजास्टर, मतलब गू टट्टी बिल्कुल ही भाई शिट हो चुका है। और अगली फिल्म है सत्य प्रेम की कथा, फिल्म ने अपने डे 1 पे कमाए थे 9 करोड़, डे 2 पे 7 करोड़ एंड डे 3 पे 11 करोड़, तो इसके अकॉर्डिंग उसकी कमाई हो चुकी है 25-30 करोड़ के आसपास। तो अब बात आती है अपनी गदर की रिलीज के बारे में। दोस्तों अगर बात करें फिल्म की डे 23 यानी उसके वीकेंड की शनिवार की कमाई के बाद, दोस्तों फिल्म ने कमाए हैं 3,25,000 के आसपास और इसके अकॉर्डिंग इसकी कमाई हो चुकी है इंडिया की डे 1 से लेके डे 23 की, जबकि इसके केवल भाई 20-30 शो ही लगे हैं ऑल ओवर द इंडिया मुंबई एंड NCR में, तो इसकी कमाई हो चुकी है 4,97,00,000 के आसपास। ये केवल 5 करोड़ में 3,00,000 कम है, आने वाले दिनों में कमा लेगी। तो दोस्तों अब आपके लिए खास बात ये कि अब जो 11 अगस्त को फिल्म आने वाली है गदर 2 OMG 2 एंड अपने साउथ की भाई साहब रजनीकांत की जेलर, तो एनिमल तो वह डर के भाग चुका है, अब वो आएगी इस साल के एंड में क्रिसमस के मौके पे, तो अब देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 11 अगस्त को 3 बड़ी फिल्मों का धमाका होने वाला। हम तो मिलेंगे आपके साथ उसी वीडियो में, रिव्यू कमाई अपडेट कलेक्शन, तो आपको क्या करना, आपको करना सब्सक्राइब प्यार से दिल से, तो मिलता है अगली वीडियो में जब कि बहुत ही खास होने वाली, तब तक बाय गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।